एक युवा राष्ट्र है। विश्व के किसी भी देश की तुलना में यहाँ सर्वाधिक युवा हैं। युवा शक्ति ही भारत की पहचान है। फिर भी आजादी के बाद एक लंबे समय तक संसाधनों के अभाव में देश के युवाओं को अवसर नहीं मिल पाते थे। 2014 से पहले खेल प्रतिभाओं को अवसरों, ट्रेनिंग एवं कोच की कमी के चलते खेलों में भारत का प्रदर्शन बहुत ही साधारण रहता था। 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युवा शक्ति की ऊर्जा और देश की प्रगति में उनका योगदान बढ़ाने के लिए उन्हें विभिन्न योजनाओं से जोड़ा। प्रधानमंत्री जी का मानना है कि जिस देश में मेजर ध्यानचंद जैसे महान खिलाड़ी रहे हों, वहां अनगिनत खेल प्रतिभाएं हैं। उनको अगर सही प्रशिक्षण और दिशा मिले तो विश्व स्तर पर भारत का नाम रोशन कर सकते हैं। युवाओं के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए प्रधानमंत्री ने खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट चलाया और खेलों में गांवों के युवाओं को आगे लाने की मुहिम शुरू की। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में खेल सुविधाओं का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। स्थानीय युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय खेलों तथा ओलंपिक के लिए तैयार करने और पदक प्राप्त करने के लिए टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम शुरू की। इसके तहत युवा खिलाड़ियों को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग के साथ अत्याधुनिक खेल उपकरण और आर्थिक सहायता दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के प्रति युवाओं को तैयार करने के लिए वर्ष 2018 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत की गई। उसी का परिणाम है कि कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और विश्व चैंपियनशिप में देश के युवाओं ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और ओलंपिक गेम्स में रिकॉर्ड पदक प्राप्त किए। वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में खेल प्रोत्साहन सिर्फ बातें थी। खेल प्रतिभाएं सुविधाओं के अभाव में आगे नहीं बढ़ पाती थी। वर्ष 2017 के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करते हुए युवा शक्ति के प्रोत्साहन से प्रदेश की तरक्की का रोड मैप तैयार किया। खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने तथा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयार करने के लिए अनेक योजनाएं चलाई। खेल कोटा के तहत सरकारी नौकरी की व्यवस्था फिर से शुरू की गई। स्थानीय प्रतिभाओं को निखारने के लिए जनपद स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री ने कुश्ती और बैडमिंटन को गोद लेने का निर्णय लिया है, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवा खिलाड़ियों का राज्य स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है। ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को 2 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता को 1.5 करोड़ रुपए, कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए तथा चौथा स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को 50 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जाती है। अन्य ओलंपिक खिलाड़ियों को 25 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि से सम्मानित किया जाता है, जो अन्य खिलाड़ियों को प्रेरित कर रहा है। खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर खासा जोर दिया जा रहा है। खिलाड़ियों के बेहतर प्रशिक्षण के लिए निजी निवेश को भी आमंत्रित किया जा रहा है। 11,000 से अधिक चयनित खिलाड़ी विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। खेल और खिलाड़ियों के हित में प्रतिबद्ध योगी सरकार मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का निर्माण कर रही है। स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड और एकलव्य क्रीड़ा कोष की स्थापना की गई है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत खिलाड़ियों को स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया जा रहा है। मेरठ को स्पोर्ट्स हब और गोरखपुर तथा वाराणसी को स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय में युवाओं को सभी खेलों का विश्व स्तरीय शिक्षण प्रशिक्षण मिलेगा। उन्हें भविष्य के ओलंपिक खेलों के लिए तैयार किया जाएगा। युवाओं को खेल के साथ रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने नई खेल नीति 2022 बनाई। इससे ओलंपिक गेम्स में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को अधिक से अधिक पदक जीतने की संभावना बढ़ेगी। ग्रामीण अंचलों से खेल प्रतिभाओं को चिन्हित कर उन्हें प्रशिक्षण के साथ सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। आजादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज जनपद बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया जा रहा है। सांसद खेल महाकुंभ के दौरान फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, ताइक्वांडो, शतरंज, क्रिकेट, वॉलीबॉल आदि खेल प्रतियोगिताएं हो रही हैं। सांसद खेल महाकुंभ में ब्लॉक, तहसील और जनपद स्तरीय स्थानीय खिलाड़ियों को प्रतिभागिता का अवसर मिलता है। इस वर्ष कुल 3,47,000 खिलाड़ी सहभागिता कर रहे हैं।
युवा शक्ति का जोश और प्रतिभा, माननीय प्रधानमंत्री जी के नए और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के संकल्प को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। करके दिखाए जो डबल इंजन की सरकार है वो।